नमस्ते गाइस, मैं योगेंद्र शर्मा पुनः अपने यूट्यूब चैनल फेयर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, आज क्योंकि पूरी सीरीज इंडिया अपनेट की समाप्त हो चुकी है, तो आज मैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस जिसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट और जिसको प्रेजेंट मॉडर्न इंग्लिश में आजकल प्रोग्रेसिव भी बोला जा रहा है, तो आज मैं आपको वो पढ़ाने जा रहा हूँ। इसकी जो पहचान होती है हिंदी वाक्यों की, कि हिंदी वाक्यों को कैसे पहचानते हैं, इसके सेंटेंसेस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, तो क्या होता है कि इस टेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं, इन हिंदी वाक्यों की जो वर्ब होती है, क्रिया जो होती है, उसके अंत में सदैव रहा है, रही है, रहे है आदि शब्द आते हैं। ठीक है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब लगाती हैं वो होती है इज, एम और आर। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर। अब इनको लगाते कैसे हैं, किस किस के साथ लगाते हैं? तो आई के साथ हमेशा हम एम लगाते हैं। और एक बात मैं बता दूं आपको कि जो एम होता है वो आई को छोड़ करके कभी कहीं नहीं जाता, ध्यान रख लेना। आई इसको छोड़ सकता है लेकिन एम हमेशा इसी के प्रति समर्पित रहता है, ध्यान रखने वाली बात है। आई के साथ हैव हो सकता है, आई के साथ हैड हो सकता है, वाज हो सकता है, और भी अन्य हो सकते हैं, डिड हो सकता है, लेकिन एम आई के अलावा और कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, अब वी, यू, दे और जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ में हमेशा हम आर लगाते हैं। ही, सी, इट और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, एक वचन के जो होते हैं, उनके साथ हम हमेशा इज लगाते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाते हैं। अब आई एन जी लगाने का एक फंडा मैं आपको बता दूं, हाँ, कि जिस वर्ड के अंत में ई लेटर आता है, देखिए जैसे इसको मैंने एन सर्कल किया है, ई जो लेटर आता है इस ई को हम हटा देते हैं। जैसे कि लिखा हुआ मैंने यहाँ पर साइन, और साइन में से ये ई हटा दिया, ई हटा करके इसमें आई एन जी जोड़ दी। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर राइट, और राइट में से जब ई हटाएंगे तो उसमें आई एन जी लगाएंगे तो ई हट जाएगा, डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी। ठीक है, तो ई लगाने का ये फॉर्मूला हुआ। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स देखे हैं कि उसमें ई को बाद में हटाते नहीं हैं, सीधा जोड़ देते हैं। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, ऑब्जेक्ट और उसके बाद में अदर वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब, मैंने बताया अभी, एम, डूइंग ए प्राइवेट जॉब, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब हो गई, एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड द सेंटेंस इज क्वाइट कंप्लीट। नाउ वी मूव टूवर्ड्स नेगेटिव। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में जब नोट लगा देंगे तो वही नेगेटिव होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल वह उपन्यास नहीं लिख रही है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया वह, सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? इज, उसके बाद में हमने नॉट को प्लेस किया, एंड देन वर्ब लिखना, राइट, उसमें आई एन जी लगा दिया, राइटिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है? ए नोवल, हाँ, उपन्यास। तो क्या हुआ? सी इज नॉट राइटिंग ए नोवल, हाँ, समझ रहे हैं ना। चलते हैं इंटरोगेटिव की तरफ, इंटरोगेटिव देख लेते हैं, इंटरोगेटिव क्या होते हैं। पीछे हमने आपको बता दिया इंटरोगेटिव क्या होते हैं, एक होता फर्स्ट टाइप और दूसरा होता है सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप को हम यस या नो टाइप कहते हैं, और सेकंड टाइप को डब्ल्यू एच टाइप भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप क्यों ना देख लें। फर्स्ट टाइप किससे शुरू होते हैं बनने, अंग्रेजी में, इंग्लिश में किससे शुरू होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। स्ट्रक्चर हमने लिखा हुआ है, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, एंड आफ्टर दैट साइन ऑफ इंटरोगेशन। ओके, अब सेंटेंस क्या है, एग्जाम्पल क्या है? क्या सूर्य पश्चिम में छिप रहा है? तो सबसे पहले हमने क्या की अंग्रेजी ने लगा क्या लगाया? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब कब आती, कैसे आती है? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आती है। सब्जेक्ट सूर्य है, कौन से नंबर का है? सिंगुलर नंबर का, इसलिए सब्जेक्ट क्या होगी, सॉरी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज होगी, हाँ, तो इज, उसके बाद में सब्जेक्ट द सन, उसके बाद में वर्ब जो है हमारी मेन वर्ब वो है सेट, और उसमें आई एन जी लगा दिया, सेटिंग, इज द सन सेटिंग, और पश्चिम में इन द वेस्ट। अब क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए अदर वर्ड्स आए, इज द सन सेटिंग इन द वेस्ट। अब सेकंड टाइप में सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, उसके बाद में
हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, वे लोग सड़कों पर नारे क्यों लगा रहे हैं? तो सबसे पहले हम क्योंकि अंग्रेजी लगाएंगे, और क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है? वाई। क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, क्योंकि वे लोग, दोज पीपल, एंड ये सब्जेक्ट कौन से नंबर का है? प्लूरल नंबर का है, इसलिए इसके साथ आर लगाया, और फिर सब्जेक्ट क्या है? वे लोग, दोज पीपल। हाँ, नारे लगाने की अंग्रेजी क्या होती है? चिल्लाना, जोर से बोलना, तो साउट, हाँ साउटिंग, आईएनजी लगा दिया उसमें, स्लोगन्स, नारे ऑन रोड्स, तो वाई आर दोज पीपल साउटिंग स्लोगन्स ऑन रोड्स। अब एक बात और होती है कि जब हम कोई भी सेंटेंस जो सेकंड टाइप का होता है, जब वो विच या हुज से शुरू होता है, तो उसके साथ में हिंदी में जो नाउन है, अंग्रेजी में भी ट्रांसलेशन करते समय वही नाउन बिल्कुल साथ चलता है। हाँ, जैसे कि वह कौन सी फिल्म देख रही है, कौन सी फिल्म, हाँ कौन सी, विच फिल्म, यहाँ भी साथ है और यहाँ भी साथ है, दोनों साथ साथ हैं। हाँ, वह कौन सी फिल्म देख रही है, तो विच फिल्म इज, हेल्पिंग वर्ब भी जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सी है, इज सी वॉचिंग, विच फिल्म इज सी वॉचिंग। अब देखिए, कुछ ऐसे नोटेबल पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में शायद ही आपने सुना हो, मैं नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल नहीं सुना हो, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं ज़्यादातर जो कम सुनने को मिलते हैं, कम देखने को मिलते हैं, और कुछ कम बताए भी जाते हैं, लेकिन मैं इनको बता रहा हूँ आपको कि सब्जेक्ट की पोजिशन बताने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग कर लेते हैं। सब्जेक्ट की पोजिशन कैसी, मैंने आपको क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये सब्जेक्ट है, ये प्रायः तीन पोजिशंस में होता है, तीन स्थितियों में होता है। पहला, जिसमें लिखा होता है बैठा है, बैठा हुआ है, खड़ा है, खड़ा हुआ है, लेटा है, लेटा हुआ है, पड़ा है या पड़ा हुआ है, तो ये थ्री पोजिशंस हो गई इसकी। हाँ, और इनमें इसका प्रयोग हम करते हैं, और मोस्टली हम दिखाया हुआ है, हुई है, हुए हैं, इनका यूज भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ है, पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, तो मैंने स्ट्रक्चर अभी बताया थोड़ी देर पहले कि सबसे पहले कोई व्यक्ति सब्जेक्ट हुआ, समवन इज, खड़ा हुआ है, इज स्टैंडिंग, समवन इज स्टैंडिंग आउटसाइड, तो कोई बाहर खड़ा हुआ है, तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट की स्थिति है ये। इसके बाद में एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कि सेंटेंस देखने में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लग रहा है, लेकिन इसको हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू द फीलिंग, अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन, भाव के अनुसार करते हैं हम। हाँ, तो भाव के अनुसार कैसे करते हैं, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, वो सब होता है, लेकिन फिर भी उनकी ट्रांसलेशन केवल भाव के आधार पर ही की जाती है। गौर से सुनना इस बात को, जैसे घर जल रहा है, घर जल रहा है, रहा आ रहा है बाद में, लेकिन भाव के अकॉर्डिंग हमने जब इसको ट्रांसलेट किया, द हाउस इज ऑन फायर, घर जल रहा है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि बड़े सिंपल और शॉर्ट तरीके से मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश की है। आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इन ए वेरी सिंपल एंड शॉर्ट वे। सो गाइस, मैं समझता हूँ आपको आपने इसको ग्रेस्प किया होगा, और अब हमारे चैनल को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने के लिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स।